हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल आदम टेक। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि यार हम यूके आते हैं तो हम जो अपने पैसे हैं वो पाकिस्तान ही छोड़ आते हैं, जबकि हमने इनको शो करवाया होता है कि जी हम 80-70 लाख रुपया जो है यूके में लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही ये हॉट टॉपिक रहता है हर स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए भी ये काफ़ी हॉट टॉपिक था। तो बहुत स्टूडेंट यही सोचता है इतनी मेहनत की है और इधर बैंक स्टेटमेंट पर आके हमारा जो काम है वो ख़राब ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही गाइड दूंगा कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह हो भी सकता है। ऐसे कभी सुनने में तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो चेक होने हो जाए एयरपोर्ट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए तो आजकल जो है वो इतना ही 50-60 लाख ही रेट है बैंक स्टेटमेंट का यूके के लिए। तो आपको 50-60 लाख रुपया यार अपने अकाउंट में शो करवाना पड़ता है यूके आने के लिए कि आप जो अपने जो एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ यूके आके अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आप जारी बात है पेड लेते हैं किसी से, किसी को पैसे दे के अपने अकाउंट में पैसे रखवा लेते हैं और यूके आने से पहले उसके अकाउंट में करके यूके आ जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर होता है वो भी डरता है कि ये ना हम इसको पैसे दे दें और ये यूके जाके हमसे रबते ना करे, गायब हो जाए, हमारे पैसे ना खाए जाएं। तो इन्वेस्टर भी ये कहता है कि यूके जाने से पहले जो वो मुझे पैसे दे के आओ, मुझे पैसे दे के जाओ यूके, ताकि वो भी सेफ रहे। तो इसका हल क्या है? तो मैंने क्या किया था भाई, जब मैं एयरपोर्ट पर आया हूँ मैं भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट थी वो रेडी करवा ली थी मैंने, बैंक से जाकर मैंने प्रिंट फॉर्म में ले ली थी एयरपोर्ट आने से पहले। तो मैंने यूके आने से एक हफ्ते पहले ही ना अपना जो सारा अकाउंट था वो मैंने खाली कर दिया था, सबको जो है मैंने पैसे वगैरह दे दिए जिससे मैंने लिए थे। तो मैंने कोई पेड किसी से वैसे स्टेटमेंट नहीं थी बनवाई, मेरे फंड जो थे वो अपने ही थे, मैंने अपने फैमिली वगैरह से लिए थे फंड्स, अपने कज़न से लिए, अपनी मदर से लिए, अपने पापा से, अपनी सिस्टर से। तो इधर उधर से करके मैंने 50-60 लाख कर लिया, मेरे लिए तो इतना बर्डन नहीं था 50-60 लाख। तो जाने से पहले मैंने सबके अकाउंट में कर दिए और मेरे पास जो था वो पूरी स्लिप थी। तो मुझे तो फैमिली वाले कह रहे थे कि साथ ले जाओ कोई बात नहीं उधर से सेंड कर देना, लेकिन मुझे ये मसला आ रहा था कि जो मेरा बैंक था वो पाकिस्तानी था, तो ये इशू ना आ जाए उधर जाकर उनको पैसे ट्रांसफ़र ना हो सकें। तो इसलिए मैंने उनको जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र कर दिए। मेरा कोई मूड नहीं था कि जो पैसे हैं मैं यूके लेके आऊँ, मेरा यही मूड था कि यार मैं उनके जो है पैसे दे के इनका काम ख़त्म करके यूके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आके और भी टेंशन होती है, फिर पैसों की टेंशन हो जाए उनको वापस करूँ। तो इसलिए मैं पाकिस्तान से उनको जो पैसे थे वापस कर आया। तो यूके आपको बता रहा था कि मैं बैंक स्टेटमेंट बनवा ली थी बैंक से, तो बैंक स्टेटमेंट लेके मैं एयरपोर्ट पे आ गया कि खुद उन्होंने अगर कहा भी बैंक स्टेटमेंट चेक करवाएं तो उनको मैं प्रिंटेड फॉर्म में चेक करवा दूंगा। और एक मैंने जो काम किया वही मैं आपको टिप दूंगा जो मैंने कैसे क्लियर किया। तो आपने जो है यूके जब आपने आना, कोशिश करनी है कि आप टच मोबाइल लाएँ ना अपने साथ, कोई छोटा यार वो नंबरों वाला ले आए, इस तरह कर ले, ये तो सुपर सेफ काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी चेक बैंक स्टेटमेंट चेक की आपके मोबाइल से हो सकती है। तो आप यही करें यूके आने से पहले अपना जो है वो कोई बटन वाला मोबाइल लें या उधर छोड़ दें, यूके आके आप नया ले लें किसी अपनी फैमिली फ्रेंड से। और ये तो एक बेकार सा आइडिया, लेकिन ये सुपर सेफ है। अच्छा, दूसरा आइडिया क्या है जी? दूसरा आइडिया वो ये है कि चेक पर टच मोबाइल भी है ना अपना जो है वो डिलीट करें हर चीज़ मोबाइल से, बिल्कुल जो है ना रीसेट कर दें। जब मैं यूके आया मैंने अपना पूरा मोबाइल रीसेट कर दिया था, कोई चीज़ नहीं छोड़ी मैंने। तो एयरपोर्ट पे था, कोई डाटा नहीं था मेरे अकाउंट में, बिल्कुल खाली मैंने किया हुआ था, कोई ऐप नहीं थी। क्लियर है? अगर वो मांगे मैं कहूँगा मेरे पास ऐप नहीं है, और मेरे ख्याल उनकी ऐप या यूके में चलती भी नहीं है, मैं भी चलती हो सारी बात है मेरे ख्याल चलती होगी। तो मैंने ये किया, ऐप शैप सारी क्लियर कर दी ताकि पूछ भी ले, मैं कहूँगा मेरे पास ऐप नहीं है। और कोशिश करनी है कि जो आपका मोबाइल है उसमें कोई ख़राबी उसको बता दें, जी मेरा मोबाइल ख़राब है, इसमें ये नहीं हो सकता, नेट नहीं चल सकता, ये वो। तो अपना जो बैकअप प्लान है उसको करके आए। बैकअप प्लान यही है कि अपना मोबाइल थोड़ा पुराना से ले आए, ख़राब सा ले आए जिसमें आपकी बैंक ऐप ना चले। दूसरा ये है कि मोबाइल डिलीट कर रहे हैं। तीसरा ये है कि छोटा मोबाइल लेने का शो ही ना करानी पड़े, मतलब कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपने किस तरह जो है लूप होल नहीं रखने। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इस तरह का आपने इन्वायरमेंट होने नहीं देना कि आपकी जो स्टेटमेंट है चेक हो सके, ठीक है? सब स्टेटमेंट तभी चेक होगी जब आपके मोबाइल से चेक होगी आपके। तो आप मोबाइल में ही, अगर आप मोबाइल ही ना लाएं, साथ कोई छोटा पुराना सा मोबाइल लें जिसमें वो ऐप नहीं चलती, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इससे जो है आप बच सकते हैं स्टेटमेंट चेक होने से, ठीक है?
वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, अव्वल तो चेक होती नहीं, कभी सुनने में नहीं आया कि स्टेटमेंट चेक हुई हो, लेकिन अभी बहुत सख्ती हो गई, अभी यह है कि स्टेटमेंट चेक हो सकती है, वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी सख्ती बहुत है। अभी कैनेडा का भी यही रूल है, कैनेडा में ऐसे होना स्टार्ट हो गया है कि उधर जो बैंक स्टेटमेंट है वो चेक हो रही है, तो यूके का कुछ पता नहीं। तो ये अपना जो है सेफ करके लाए पीछे से, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ना हो सके। तो ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मेरा जो हाथ है वो भी थक चुका है, तो वीडियो को मैं करने लगा ख़त्म। तो यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने जो था यार अपनी ऐप शैप डिलीट की थी, आप लोग भी कर लें जो आपने करना है, फंड्स वगैरह जो है ऐसी कोई बात नहीं, अपने इन्वेस्टर को वापस कर रहे हैं या चेक इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होने से था इन्वेस्टर आपको रखने थे यूके, आप आ जाओ पैसे आपके अकाउंट में ही हो, तो पैसे वगैरह वापस कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और दूसरा ये कि अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिंटेड फॉर्म में ले जाए, अगर उसने मांगी भी ना, आप उसको अपना जो पेपर है वो शो करा सकें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।